गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, नाइन चैप्टर के बाद चैप्टर 10 और 11 मैं आपके लिए ओमिट कर रही हूँ. वो चैप्टर्स मैं आपका छुड़वा रही हूँ. तो आपको अब अपनी बुक ओपन करके चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है. ओके, सो ओपन योर बुक पेज नंबर 64. स्टूडेंट्स, 10, 11 चैप्टर्स आपको नहीं करना है. उस पर आप ओमिट लिख दीजिए या क्रॉस का साइन लगा लीजिए. वो चैप्टर्स आप लोगों के इस साल कवर नहीं हो रहे हैं. ओके, सो चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 64, द टू फ्रेंड्स एंड द बियर. फ्रेंड्स मतलब दोस्त और बियर मतलब भालू. दो दोस्त और भालू की कहानी है ये. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम लोगों को कुछ न्यू वर्ड्स भी देखने रहेंगे. ओके, तो हम सबसे पहले न्यू वर्ड्स देखेंगे जो इस चैप्टर में आ रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यू वर्ड है एडवाइज्ड. एडवाइज्ड मतलब बताया या सलाह दी. ठीक है, बी वेयर मतलब सतर्क. सतर्क. इंडीड मतलब सचमुच. ओके स्टूडेंट्स, सो ये न्यू वर्ड्स आप लोगों के चैप्टर नंबर 12 में आ रहे हैं. अब हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे. माइक एंड सैम वर फ्रेंड्स. माइक और सैम दो फ्रेंड्स थे. दे लिव्ड इन अ विलेज. वो कहाँ रहते थे? विलेज मतलब गांव. गांव में रहते थे. वंस दे मेड अ प्लान टू गो टू द सिटी. एक दिन वो प्लान बनाते हैं कहाँ का? सिटी में जाने का. दे पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट. और वो कहाँ से गुजरते हैं? एक फॉरेस्ट मतलब जंगल में से गुजरते हैं. वाइल्ड एनिमल्स लिव्ड दैट फॉरेस्ट. और उस फॉरेस्ट मतलब जंगल में क्या था, कैसे एनिमल्स रहते थे? वाइल्ड. ठीक है, एक होते हैं कौन से? पेट एनिमल जो हम घर में पालतू होते हैं, और एक होते हैं जंगली एनिमल, वाइल्ड एनिमल. ठीक है, तो उस फॉरेस्ट में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स थे. ऑन द वे उनके रास्ते में दे सडनली सॉ अ बियर. वो जब अपने रास्ते पर चल रहे थे सिटी जाने के लिए, वहाँ पर सडनली क्या आता है? बियर, भालू आ जाता है. उन्हें एक भालू दिखाई देता है. माइक वॉज सेल्फिश. माइक कैसा था? सेल्फिश था. सेल्फिश कौन होता है? ऐसा पर्सन जो अपने फ़ायदे के लिए आपका साथ छोड़ दे. ठीक है, वो होता है सेल्फिश. या फिर सेल्फिश वो हो सकता है जो सिर्फ अपना काम निकालना जानता है, दूसरों की हेल्प नहीं करता है, वो होता है सेल्फिश. तो माइक कैसा बच्चा होता है? सेल्फिश होता है. ही क्विकली क्लाइम्ड अप अ ट्री टू सेव हिज लाइफ. वो जल्दी से क्या करता है? आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो पेड़ पर चढ़ जाता है. किस लिए? ताकि वो अपने आप को सेव कर सके, अपनी लाइफ को बचा सके. सैम कुड नॉट एबल अप क्लाइंब अप द ट्री. जो सैम रहता है वो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सका. ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड. वो क्या करता है? ले डाउन मतलब वो ग्राउंड जो रहता है उस पर लेट जाता है. एंड हेल्ड हिज ब्रेथ. और क्या करता है? और वो अपनी ब्रेथ को रोक लेता है. द बियर स्मेल सेम. और जो बियर रहता है वो स्मेल करता है, सूंघने का काम करता है किसे? सैम को. एंड थॉट ही वॉज डेड. और वो सोचता है कि ये शायद मर चुका है. द बियर वेंट अवे. और जो बियर रहता है वो उसे सूंघ कर उसे लगता है कि ये मर चुका है, तो वो वहाँ से चला जाता है. माइक केम डाउन एंड आस्क्ड सैम. माइक जो रहता है जो पेड़ पर चढ़ा होता है वो नीचे आता है और सैम से पूछता है, व्हाट वॉज द बियर सेइंग टू यू. जो बियर है वो तुमसे क्या कह रहा था? सैम रिप्लाइड. सैम रिप्लाई करता है, ही एडवाइज्ड मी टू बी वेयर ऑफ दोज फ्रेंड्स हु रन अवे इन टाइम ऑफ डेंजर. वो बोलता है कि उसने मुझे एडवाइस दी, उसने मुझे सलाह दी, उसने मुझे बताया कि उन दोस्तों से दूर रहो जो तुम्हें डेंजर मतलब मुसीबत है, यहाँ पर इसका मीनिंग. ओके,
जो आपके बुरे वक्त में आपको छोड़कर भाग जाए। सो यहाँ पर आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स, इस जो स्टोरी थी इसका मोरल क्या था? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इनडीड। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी ज़रूरत में आपके साथ रहे। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 12 ओवर होता है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट और क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।